नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन बकरी फार्म पर, जो वी एंड ए के नाम से है। और ये हमारे पड़ोस में भी था तो हमें पता भी नहीं चल पाया क्योंकि हमारे पड़ोस में इतना अच्छा बेहतरीन फार्म है और काफ़ी समय लग गया हमें यहाँ आने में। तो सबसे पहले तो हम मिलवा देते हैं आपको जो इनके ओनर हैं, एक युवा हैं जो जिन्होंने काम चलाया हुआ है, इनके पिताजी ने और इन्होंने मिलकर काम चलाया हुआ था और ये भी पूरी देखभाल करते हैं। तो भाई सबसे पहले अपना परिचय दे दो, अपना नाम बता दो कि आपका नाम क्या है और अपना एड्रेस क्या है ये। जी नमस्कार सभी भाइयों को, मेरा नाम मोहम्मद जवाद है और आज से लगभग 5 साल पहले मेरे पापा जी ने इस फार्म हाउस की नींव रखी थी जिसका नाम है V&A गोटन एग्रो फार्म। तो ये आप लगभग 5 साल से यहाँ पे चला रहे हैं? जी बिल्कुल। तो अभी जो यहाँ पे फार्म पे दिख रहा है इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये तो ये 5 साल से लगातार पहले से ही चल रहा है, वही स्ट्रक्चर एक बार का चल रहा है? जी ये 5 साल पहले पापा जी जो है बाहर राजस्थान से बकरियाँ गोट्स लेके आए। अच्छा। थे ये सारा राजस्थान का अपना? हाँ, पहले सारा माल जो था राजस्थान का था। अच्छा। तो उसमें हमें जब बकरियाँ पापा बाहर से लेके आए, एक तो यहाँ से 700 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है, तो जब बकरियाँ वहाँ से लेके आए, पानी बदला, हवा बदला, माहौल सब काफ़ी चीज़ें बदली, तो हमारा मोर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो अच्छा मैं आपसे अभी जैसा देख रहा हूँ पीछे पूछना चाहूँ कि अभी टोटल अपने फार्म पे कितने टोटल जानवर होंगे, कितने बकरियाँ टोटल होंगी अपने? जिस समय तो हमारे पास 80+ बकरियाँ हैं। अच्छा। उसमें बच्चे भी हैं और हमारे पास सोजा, तोता परी और बीटल। बीटर की तो कुछ एक बकरियां हैं। हमारा जो मेन पर्पस जो है वर्क है वो सोजत पे ही है। हमारा मेन काम सोजत पे है। तो जैसा कि अपना ये एरिया आ रहा है, ये जो एड्रेस है अपना, ये मंडी धहोरा के पास में बछरायूं पड़ता है, जहाँ से अभी हमें दोस्तों बता दूं आपके लिए, तो यहाँ पे बर्बरी की भी कुछ डिमांड है या इनकी डिमांड ठीक ठाक है, ये सही निकल जाती है? देखिए बर्बरी की डिमांड है, बर्बरी की डिमांड होने को तो है, लेकिन नस्ल प्योर की डिमांड है। अच्छा। जो प्योर नस्ल है ना उस चीज़ की डिमांड है, या देसी दोगले वो तो लोग सब गोश्त के हिसाब से लेते हैं, जो प्योर चीज़ है उसकी डिमांड है, लेकिन हमारे पूर्ति नहीं निकलती। अच्छा। क्योंकि हमारे फार्म हाउस है, हमसे एक तरीके से कहूँ तो बकरियों के 3-3 बच्चे संभाले नहीं जाते। हमारे लिए वो बेस्ट बकरी है जो 2 बच्चे देती हैं, क्योंकि वो आराम से हम उन्हें फीड भी करा लेते हैं, आराम से पाल लेते हैं। और इस समय जैसे कि आपने देखा होगा हमारे फार्म हाउस पर कि लगभग हमारी बकरी कोई भी आती है 5 किलो से कम का बच्चा उसका तब भी नहीं होता। तो ये जो तोता परी है जैसे कि ये राजस्थान की नस्ल है और अपने यहाँ अपने एरिया में, इसको कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पे चलने में? नहीं देखिए शुरू में हमें दिक्कत हुई थी, जब हम राजस्थान से लेके आए थे डायरेक्ट तब हमें दिक्कत हुई थी, पर अब धीरे 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 बहुत समय के बाद हम लोग संभले। तो इनमें जैसे कि आप बता रहे हैं तोता परी है, सोजत है और बीटल है, तो तीनों की मतलब वैरायटी में तीनों बराबर हैं 80 में या कुछ अलग डिफरेंट नंबर्स में हैं? जी सबके अपने अलग अलग प्राइसेस हैं, कुछ हमारे पास हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं, जैसे सोजत है उसमें कई हमारी बकरियां कई हाई क्वालिटी में अवेलेबल है, जैसे हमारा बीटल है अभी तो ईद की वजह से हमने उसे निकाल दिया, उसका प्राइस था लगभग 1 लाख के अराउंड, तो जब बीटल महंगा है तो ऑब्वियसली उसके बच्चे ही महंगे होंगे। तो जैसे कि आपके पास में 80 बकरियां हैं, इसमें से लगभग अभी बकरे कितने हैं? बकरा तो ज़्यादातर ईद पर निकल ही गया होगा। जी बकरे हमारे यहाँ ईद पर निकल चुके हैं, अब उनके बच्चे आए हुए हैं लगभग 3-4 मंथ के हैं और वो अब आगे बिक्री के लिए हैं। तो अभी जो बच्चे हैं वो इन्हीं बकरियों के बच्चे हैं आप, या कभी बाहर से बच्चा लेके अपने फार्म पर तैयार करते हैं, या सिर्फ अपने ही ब्रीडर से जो तैयार होता है बच्चा उसी को रखते हैं अपने फार्म पर? देखिए बच्चे तैयार करने का तो ऐसा है, अगर हमें लोग ऑर्डर देते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे तैयार करते हैं, वो भी इस तरीके से नहीं बेचते कि बच्चा उधर से उठाया इधर बेच दिया, वो तो ट्रेडिंग हुई, हम वो चीज़ नहीं करते। अगर आप ऑर्डर देते भी हैं तो हम उठाते हैं, 1 महीना कम से कम अपने पास रखते हैं, उसकी वैक्सीनेशन करा के बिल्कुल सेट करके, भाई 1-2 हज़ार रुपये बढ़ के मिलेंगे, जानवर थोड़ा पैसा बढ़ के मिलेगा लेकिन ज़ुबान के साथ देंगे, आपके घर पे जाके जैसा बोला है जैसा कहा है वैसा ही जानवर निकलेगा। तभी तो 5 साल से फार्म चला रहे हो आप? जी भाई जो भी हमारे साथ तक कनेक्ट हुआ है भाई उसे प्रॉफिट ही हुआ है, एक BSN पाल करके नाम के आदमी हैं, उन्होंने हमसे लगभग 2 साल पहले जानवर लिए थे, लगभग 22 बकरे ली थी और आज उनके टाइम में 45 जानवर है, आप इससे प्रोग्रेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया लगा, आपने इतनी बढ़िया जानकारी एकदम सच्चाई के साथ आप दे रहे हैं और बता रहे हैं, और 5 साल से आपका ये फार्म लगातार चल रहा है। तो अगर मैं अब पूछना चाहूँ प्रॉफिट के बारे में, मान लीजिए
मान लीजिए कि अपने फार्म पे यहाँ पे एक बकरी का बच्चा हम स्टार्टिंग में लेके आए, उसके बाद उसको तैयार करते हैं, एक साल में तैयार होता है लगभग, तो उसमें कितना उस पर लगभग खर्चा आ जाता होगा और कितने का हमारा वो एवरेज लेके चलूँ कि 80 बकरियाँ आपके पास में हैं और साल भर के अगर हम प्रॉफिट की बात करें 80 बकरियों को तैयार करके बेचने में, कुछ बकरियाँ भी बच जाती हैं, बकरे बिक जाते हैं, तो लगभग कितना प्रॉफिट एक साल में हो जाता होगा? जी लगभग 80 बकरियाँ हैं हमारे पास, उसमें बच्चे अच्छे सेल करके हमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए प्रॉफिट अब तक बच जाता है, साल भर में बच जाता है। तो बहुत बढ़िया है कि अगर नौकरी की बात करें, कोई आदमी अगर 40-45 हज़ार की नौकरी कर रहा है तो उससे तो कई जगह बेस्ट है कि गांव में। और एक आपने जो ये मैं दिखाऊं दोस्तों आपको कि इनका फार्म जो है एकदम बाग में बीचों बीच में इतनी बेहतरीन जगह में है कि आप देखेंगे तो देख कर भी दिल खुश हो जाएगा। ऐसी जगह है कि कोई टेंशन नहीं है, एकदम वातावरण शुद्ध है, बिल्कुल गाँव का देहात है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी बच्चों को बाहर घुमाने भी आसानी रहती होगी बाग वगैरह में? जी बिल्कुल, हम इन्हें उतार देते हैं, जैसे अभी तो बारिश का मौसम है, इस टाइम तो नहीं उतार सकते क्योंकि फिर इन्हें FMD की प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे अब बारिश वारिश रुक जाएगी, एक आध दिन में जब धूप निकलेगी तो हम इन्हें उतार देंगे। तो अगर हम बात करें जैसे कि आपने 4 नस्लें 3 नस्लें रखी हुई हैं, तो इनको क्या अलग अलग रखना पड़ता है या सभी को एक जगह रख लेते हैं? नहीं, सबको अलग अलग रखना पड़ता है। अगर हमें प्योर ब्रीड चाहिए, हमें अच्छी नस्ल चाहिए, तो भाई काफ़ी ज़्यादा तरीके से हमें ब्रीडिंग करवानी पड़ती है, मतलब ऐसे ब्रीडिंग नहीं होती। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए अलग रखना पड़ता है? और जैसे मान लीजिए बाहर जा रहे हैं तो उसके बाद इनको छांट के फिर अलग करना पड़ता है? हाँ भाई, सब चीज़ें मतलब सब चीज़ का अपना हिसाब होता है। 12-13 हज़ार रुपये का बच्चा हमारे बिक जाता है, ऐसा थोड़े बिक जाता होगा भाई। हाँ बहुत बढ़िया, चलो दोस्तों वही ब्रीडिंग का मेन फंडा है कि अगर ब्रीडिंग मिक्स कर देंगे तो ब्रीडिंग मिक्स हो जाएगी तो उससे फिर जो प्योरिटी है क्वालिटी है वो नहीं आ पाएगी। हाँ क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो बाकी आप, मैं देख रहा हूँ आपके फार्म के चारों तरफ आपने कुछ मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं और बाकी देसी बिल्कुल देसी प्योर में है आपके पास में, और बत्तख वगैरह भी है, तो ये भी सारा साइड में चल रहा है? हाँ ये सब साइड बिजनेस की तरह वर्क करता है, हमारे यहाँ अंडे वंडे बिक जाते हैं। अच्छा। और बकरियों वकरियों का दूध रहता है वो खैर हम यूज़ कर लेते हैं आराम से, बच्चों बच्चों को पिला के काफ़ी बच जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी दर्शकों को। जी बस मेरा यही कहना है आखिर में, देखिए अगर आप कोई भी इस लाइन में आना चाहते हैं, लाइन बुरी नहीं है, अगर आप आज से 4 साल पीछे जाएँ ना तो लोगों की मैंटेलिटी इतनी ज़्यादा बदल चुकी है, इतनी ज़्यादा बदल चुकी है। 90% यूथ ये सोचती थी कि भाई ये बकरियाँ चुगा रहे हैं, गड़ियाड़े हैं ये लोग, पढ़ लिख के बकरियाँ चुगा रहे हैं ये लोग, गड़ियाड़े हैं। लेकिन भाई अब 4 साल में लॉकडाउन के बाद लोगों की मैंटेलिटी इतनी बदल चुकी है, वही लोग आगे कहते हैं भाई बिजनेस खड़ा करा तुमने अपना। चलिए वही हुआ है दोस्तों लॉकडाउन के बाद से, जैसे कि समय बदला है, लोगों की सोच बदली है और लोग सभी, आप आना चाहें आ सकते हैं इस मिशन से, बहुत अच्छा बिजनेस है भाई। चलिए बहुत बढ़िया लगा, इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी दोस्तों, और बाकी कोशिश करेंगे आगे आपको एक अलग से वीडियो इनके मुर्गी फार्म वगैरह की भी हम दिखाएंगे, और तब तक आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको, और नोटिफिकेशन बेल दबाएँ ताकि आपको आगे हमारी कोई भी वीडियो आती है चैनल पर तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।